अस्सलाम वालेकुम, मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल एस ए मैथ वाइब्स। हम बीएस जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर मैथ 3-1 कोर्स नेम अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो हमारा आर्टिकल चल रहा था डेयर स्टूडेंट्स, वो था सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऊपर ये लेक्चर नंबर 3rd है जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, विच इज़ द लास्ट लेक्चर आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, ये हम सीखेंगे इस लेक्चर में। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस ऑफ नंबर वूज रेसिप्रोकल फॉर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो रेसिप्रोकल है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। मीन हमने लेक्चर नंबर 1 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखी थी, लेक्चर नंबर 2 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और लेक्चर नंबर 3 है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो जो लेक्चर नंबर 1 है डेयर स्टूडेंट्स, अगर आप उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट देखते हो तो एंड में जस्ट क्या करो, आप उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइक 1/3, 1/6, 1/9 इज एच पी, ये आपके पास एच पी है, आप इसका रेसिप्रोकल लो 3, 6, 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बिकॉज इट्स रेसिप्रोकल 3, 6, 9 फॉर्म एंड ए पी, वो आपके पास ए पी फॉर्म है। ए पी का रेसिप्रोकल लो एच पी बन जाती है, और एच पी का रेसिप्रोकल लो तो ए पी बन जाती है। रिमार्क, ज़ीरो कैन नॉट बी टर्म ऑफ एच पी, ज़ीरो जो है वो एच पी की टर्म नहीं हो सकती। जनरल टर्म ऑफ एच पी इज ए एन 1/(a₁ + n-1)d, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ए पी, a₁ + n-1d। हमने ए पी में पढ़ा था, ये nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस है। सो प्रोसीजर सारा हम ए पी वाला फॉलो करेंगे, और एंड पे हम क्या करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा ए पी के प्रोसीजर को फॉलो करने से, हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास एच पी आ जाएगी। सो मैंने ये नोट में लिख भी दिया, प्रोसीजर वी सॉल्व एच पी थ्रू ए पी, When AP comes, just reciprocal HP comes। आपके पास हम क्या करेंगे कि HP को AP के प्रोसीजर के सॉल्व करेंगे, जैसे AP का आंसर आ जाएगा हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास HP में कन्वर्ट हो जाएगी। सो फाइंड 9th टर्म ऑफ HP, 1/3, 1/5, 1/7, हमने इसकी 9th टर्म निकालनी है। गिवन HP इज 1/3, 1/5, 1/7, कन्वर्ट ए पी, तो ये रेसिप्रोकल लो इसका 3, 5, 7 हो जाएगा। एन उसने 9th दे दिया, a₁ 3 है, डी निकाल लेंगे, 5 - 3 2 आ जाएगा, ए एन इक्वल टू a₁ + n-1d। सो 3 + 9 - 1d 2 के इक्वल है, इसको सॉल्व किया तो आपके पास 19 आ गया। सो 19 आपके पास डेयर स्टूडेंट ए पी आया, आप इसका रेसिप्रोकल लो तो एच पी आ जाएगा, 1/19 सिंपल एच पी। सो a₉ = 19, hp₁/19, सो ईजी। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, इफ 4th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ hp 2/13 एंड 2/25, फाइंड hp सीक्वेंस, हमने hp को फाइंड आउट करना है। सो a₄ 2/13 ये hp में है, a₂ 2/25 ये hp में है। सो a₁ को लिखा जा सकता है इस फार्मूले के मुताबिक, एन की जगह पे 4, आपके पास 4 है ना, 4th टर्म, एन की जगह 4 पुट करो, 4 - 1 3, सो a₁ + 3d, a₁ + 3d आपके पास 13/2, ये किस में होगी, एच पी में होगी, रेसिप्रोकल ले लिया, 13/2 एच पी में होगी। a₇ a₁ + 6d, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 25/2 ए पी में होगी। सो अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इन दोनों से ही आएगा। सो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2 - 1 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, सो 25 - 13/2, a₁ + 60 - a₁ - 3d, सो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 60 - 3d आपके पास क्या आया, 3d आया। सो 25 - 13/2, 3d = 12/2, सो आपके पास फाइनली डी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। सो आप क्या करो, पुट इन 2, इसको 2 में पुट कर दो, a₁ + 6d 2 के इक्वल है, 25/2 a₁, 25/2 -12 आ जाएगा। सो a₁ आपके पास क्या आ गया, 1/2, आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। सो ए पी वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, an इक्वल टू a₁ + n - 1d, an 1/2 + n
माइनस वन डी आपके पास टू के इक्वल है। तो आपके पास जो है वो जनरल फार्मूला क्या बना आपके पास, ये वाला फार्मूला आपके पास जनरल बन गया, ए एन इक्वल टू फोर एन माइनस थ्री बाई टू। सो क्या करेंगे जी, यहाँ पे एन की जगह वन पुट करो, एन की जगह टू पुट करो, एन की जगह थ्री पुट करो, एन की जगह फोर पुट करो, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। वन पुट किया वन बाई टू, टू जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, टू पुट किया फाइव बाई टू, थ्री पुट किया नाइन बाई टू। तो पैटर्न देखो, वन में फोर ऐड किया फाइव, फाइव में फोर ऐड किया नाइन, नाइन में फोर ऐड करोगे थर्टीन, थर्टीन में फोर ऐड करोगे सेवनटीन। तो इस तरह ये पैटर्न चलता जाएगा और नीचे आपके पास टू है। सो वन बाई टू, फाइव बाई टू, नाइन बाई टू, थर्टीन बाई टू आर इन ए पी। आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, सो टू टू बाई फाइव, टू बाई नाइन, टू बाई थर्टीन आर इन एच पी। ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा एच पी में। सो डियर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर है वो तीन है। सो पहला लेक्चर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है, दूसरा जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर है, तीसरा जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। क्योंकि हार्मोनिक जो है वो अरिथमेटिक से ड्राइव होती है, इसलिए ये थोड़ा जल्दी वाइंड अप हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये तीनों लेक्चर्स देख लोगे तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो पोर्शन है आपकी आउटलाइन मैथ 3 to 1 में वो कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।